तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिनी ट्रैक्टर VST के बारे में। तो देख लेते हैं पहला गियर सिस्टम और स्टार्टिंग सिस्टम क्या है। भैया थोड़ा दिखाएंगे कैसे स्टार्ट होता है ये गाड़ी। अच्छा भैया ने न्यूट्रल कर दिया। और बंद कैसे होता है? अच्छा ये खींचने से बंद हो जाता है ये ट्रैक्टर। और एक बात, इसका सेल्फ थोड़ा ख़राब है तो भैया ने डायरेक्ट करके स्टार्ट किया है। तो अभी इसका हाइड्रोलिक कैसे उठता है, उसका कौन सा लिवर? हाइड्रोलिक लीवर। अच्छा ये वाला है इसका हाइड्रोलिक लीवर, ये ऊपर उठाने से हाइड्रोलिक उठ जाता है। ट्रॉली बहुत ही बड़ा है तो बहुत ही आसानी से माल कैरी करता है बहुत ज़्यादा। तो भैया इस ट्रैक्टर में कितना डीजल खाता है एक घंटा में, एक घंटा या एक किलोमीटर में? घंटा में 3 लीटर। 3 लीटर। अच्छा ये कितने रुपए में आप खरीदे थे? मैंने तो सेकेंड हैंड खरीदा था 1 लाख रुपए में। नया कितना का आ जाएगा ये? नया 3 लाख। 3 लाख के आसपास। अच्छा ये गाड़ी ऐसे ही था तो भैया ने इसको थोड़ा मैन्युफैक्चर करके बनाया है, जैसे कि बहुत धूप है। ये इसका हाइड्रोलिक पाइप बहुत ही बढ़िया, ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर का जैसे हाइड्रोलिक पाइप रहता था ऐसा ही है, बस उसका राधी का जॉक सेट किया हुआ है। और ये इसका सीट है, ड्राइविंग सीट। और ये है इसका गियर जो कि एक नंबर दो नंबर कितना गियर है इसमें? टोटल चार गियर है। हाई लो कुछ है क्या? हाई लो 4-4। अच्छा और पीटीओ। पीटीओ का ये वाला है ना? अच्छा ये रोटावीटर भी चला सकता है। ठीक है तो मैं आप लोगों को ये साजिश करूंगा, क्या आप छोटे मोटे व्यवसायी हैं, काठवारी है, क्या कोई काट के व्यवसाय करते हैं तो इस ट्रैक्टर को ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपको छोटा रास्ते में घुसने में बड़ा गाड़ी लेके प्रॉब्लम होता है तो ऐसे मिनी ट्रैक्टर खरीदोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, आसानी से माल लोड भी करेंगे, अनलोड हो जाएगा हाइड्रोलिक से, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ट्रॉली देख सकते हो बहुत ही बड़ा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नया वीडियो में।
हे प्रभु आ मैं हूं आ